हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू कान्हा की सिंपल फैमिली, आपका मेरे ब्लॉग में बहुत स्वागत है। बच्चों के खुल गए हैं स्कूल और वो कल मंडे से स्कूल जाने लग गए हैं। कल से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा चीज़ हो रही है और मुझे दिन में 3 बार पेन किलर लेने पड़ते हैं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और आज मैंने सुबह से ही वीडियो बनाने की कोशिश की है। जो वीडियो भी मैं शूट करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और मुझे सपोर्ट करना। आइए आज का व्लॉग शुरू कर लेते हैं। रात आई थी सब्जी जो मैंने तसले में रिता कर रख ली है पिन्नियों में से, मैं इसे धोऊंगी, लेकिन अभी मुझे बच्चे स्कूल में भेजने हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही मैं सब्जी धोकर टोकरी में सूखने के लिए रख दूंगी और बाद में फ्रिज में रखूंगी, इसलिए मैंने इन्हें तसले में रखा हुआ है। मैंने लगा दी है रही दूध बिलने के लिए, क्योंकि कल हमने दूध जमाया था। हम दूध मोल कर लेकर जमाते हैं, हमारी गाय कम दूध दे रही है, उसमें चाय और बच्चों का ही काम चलता है और हमें बनानी है कढ़ी, इसलिए मैंने सुबह ही दूध बिलने के लिए रही लगा दी है। कढ़ी हम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही बनानी शुरू करेंगे और हमें तैयार करना है बच्चों का लंच, इसलिए मैंने आलू उबलने के लिए कुकर में चढ़ा दिए हैं। बच्चों की फरमाइश है वो आलू के पराठे लंच में लेकर जाएंगे। मैंने आलू उबलने रख दिए हैं और आटा गूंथ कर रख लिया है। जितने मेरे आलू उबलेंगे बच्चे ब्रश कर रहे हैं। बच्चों को नहलाने के बाद ही लंच तैयार होगा, क्योंकि बच्चों को हमें ही तैयार करना पड़ता है। अभी बच्चे छोटे हैं, यशित ने ठंडे पानी में नहाने से मना कर दिया है, इसलिए मुझे उसका गर्म पानी रखना पड़ा और बच्चे तो ठंडे पानी में ही नहा लिए हैं। यशित ने ठंडे पानी में नहाने से मना कर दिया, उसने कहा मुझे तो ठंड लग रही है मम्मी, मेरा पानी गर्म रखो, इसलिए मैंने एक भिगोना पानी गर्म किया है, मैं उसे गर्म पानी में नहलाऊँगी। मेरे आलू उबल चुके हैं और मैंने परात में ठंडा होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि गर्म आलू छिलते नहीं हैं और जितने बच्चे नहाएंगे उतने में आलू ठंडे हो जाएंगे। शोभा ने कढ़ाई में तेल डालकर तेल गर्म होना रख दिया है। हम सरसों का तेल गर्म कर रहे हैं, हमें पराठे बनाने हैं। सरसों का तेल हमने मोल का लिया है और घर की सरसों ही खरीद कर तेल लिया हमारे है। आलू उबल चुके हैं और मुझे आलू ठंडा करने के लिए थाली में फैलाने पड़े, क्योंकि गर्म आलुओं में नमक डालते हैं तो आलू बह जाते हैं, इसलिए उनकी भाप निकालनी है। हमारी पिट्ठी तैयार हो चुकी है और शोभा लंच बनाने में लग गई है। मुझे लंच पैक करना है, बच्चे मैंने तैयार कर दिए हैं। शोभा बना रही है आलू के पराठे और मैं लंच रख रही हूँ। लंच में बच्चे आलू के पराठे लेकर जाएंगे और दही। लंच खाने के लिए अभी पराठा दिया है, लेकिन खा नहीं रहे, कह रहे मम्मी हमारा पेट भरा हुआ है, हम तो स्कूल में जाकर ही खाएंगे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने घी निकाल लिया है। अब कढ़ी बनने के लिए गैस पर रख दी है। छाए में बेसन घोलकर हमने कढ़ी अपनी चढ़ा दी है। जितनी हमारी कढ़ी बन जाएगी उसके बाद ये हम दूसरे काम में लगेंगे। कढ़ी बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए बच्चे के जाते ही कढ़ी बनाने का काम शुरू कर दिया है। कढ़ी को अकेले भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उबाल आते हैं और कढ़ी उफन जाती है इसके, तो कढ़ी के पास बैठे बैठे लहसुन और प्याज भी छील लिए हैं। हमारी कढ़ी उबल चुकी है, शोभा ने पकौड़ी उतार ली है। अब हमारी कढ़ी में छौंक लगाना बाकी है, क्योंकि हमारी कढ़ी रजने लगी है।
आज दोपहर को हमने सुबह को ही सबे पराठे बनाए थे लंच में, इसलिए दोपहर में हम कढ़ी चावल ही बनाएंगे, रोटी नहीं बनाएंगे। पकौड़ी उतार दी है हमने कढ़ी में डालने के लिए। अब छोंकने के लिए हम प्याज कस रहे हैं। छोंक का तेल सोबा ने कढ़ाई में चढ़ा दिया है, वो अब छोंक को भुनेगी, क्योंकि कढ़ी के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हम दोपहर में चावल ही बनाएंगे। और हमारे बच्चे चावल बहुत पसंद करके खाते हैं, चावलों के सामने वो रोटी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, और वो कह कर गए हैं मम्मी कढ़ी बनाओ तो चावल ज़रूर बनाना, इसलिए आज तो चावल ही बनाएंगे। छोंक भुनने वाला है, बस छोंक हमारा पूरी तरह से भुन जाएगा तो हम कढ़ी में छोंक लगा देंगे। हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी थी, और उसके बाद हमने चावल बनाए। उसके बाद की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। ये मेरी शाम की वीडियो है, मैं दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि चाय बनने तक भी मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द था, और मुझे दवाई लेनी पड़ती है। जब मेरे सिर का दर्द बंद हो जाता है तभी मैं किसी काम में लगती हूँ। मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द रहता है, दूध तो थोड़ा सा ही आता है, इसलिए सुबह सुबह से काम में लगी हुई थी। मैंने कहा मैं गर्म कर दूँगी सुबह, बस इतनी